निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ ने अरब व इस्लामी ममालिक के गैर मामूली हंगामी इजलास की साइड लाइन पर सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें गजा और मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली काबिज अफवाज की जारी जारहियत और ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वजीर इत्तिलात मुर्तजा सोलंगी ने इस मुलाकात के बारे में बताते हुए लिखा कि वजीर आजम काकड़ ने हरमैन शरीफेन के मुतवल्ली और वली अहद शहजादा की मुदब्बराना क़ियादत में फलस्तीनी काज को फ़रोग देने के लिए ममलुकत सऊदी अरब के किरदार और कोशिशों को सराहा। निगरान वजीर आजम ने मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर मुश्तरका अरब इस्लामी एक्शन को तैयार करने के लिए सरबराही इजलास बुलाने के बरवक्त अकदाम पर सऊदी क़ियादत का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल को महसूर और मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ वहशियाना और अंधाधुंध जारहियत से रोकने के लिए फौरी बैन अलक्वामी तआवुन की ज़रूरत पर जोर दिया। निगरान वजीर आजम ने मकबूजा गजा की नाकाबंदी हटाने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया ताकि मुतासरा आबादी को अहम इंसानी इमदाद और तिब्बी इमदाद की फराहमी में आसानी हो। वजीर आजम ने अस्पतालों, महाजरीन कैंपों, स्कूलों और रिहायशी इमारतों पर बमबारी के इसराइली अकदाम की मजम्मत की, जिसके नतीजे में 10,000 से जायद कीमती जानें ज़ाय हुईं। उन्होंने इसराइल फलस्तीन तनाज़े के मुनसिफाना और पायदार हल के लिए पाकिस्तान के गैर मुतजलजल अज़्म को भी उजागर किया, जिसकी बुनियाद दो रियासती हल पर मबनी है, जिसकी सरहदों के साथ एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फलस्तीनी रियासत का क़याम मुमकिन होगा, जो जून 1967 से पहले मौजूद थी, और अलकुद्स अल शरीफ इसका दारुल हुकूमत होगा। दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा उमूर पर भी तबादला ख्याल किया और बाहमी तौर पर फ़ायदा मंद इक्तिसादी शराकत दारी के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब के देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा किया।